क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। हम डी ब्रोगली समीकरण यानी डी ब्रोगली इक्वेशन पर बात कर रहे हैं। इस डी ब्रोगली इक्वेशन में आखिरकार क्या है, क्या है डी ब्रोगली इक्वेशन और ये क्या समझाना चाहती है डी ब्रोगली इक्वेशन, तो आज आप पूरी वीडियो को देख करके और अपने नोट्स अपने आप बना सकते हो। तो हमारे चैनल पर बने रहेंगे आप। डी ब्रोगली के बारे में हम समझाएंगे आपको कि आखिरकार डी ब्रोगली क्या है। ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर कैसे प्रदर्शित करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। यानी कि अगर आपसे कहें कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है, तो आप बताओगे कि सर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की भी तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। अगर पार्टिकल की तरह होगा तो इसके अंदर मास होगा और अगर वेव की तरह होगा तो इसके अंदर वेवलेंथ लैम्डा होगी। इस बात को प्रूफ करना है कि इसके अंदर डुअल नेचर है। डुअल नेचर को समझना चाहते हैं तो इस बात को समझाने के लिए डी ब्रोगली ने बताया। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए, यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए डुअल, बिहेव एज डुअल पार्टिकल, डुअल नेचर पार्टिकल। अब ये डुअल नेचर पार्टिकल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। डुअल नेचर पार्टिकल दैट इज, इसका मतलब है दैट इज इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है एज वेल एज वेव, ये वेव की तरह भी बिहेव करता है। इन दोनों चीजों को हमें प्रूफ करना है, इन दोनों चीजों को हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम सिद्ध कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है वो आइंस्टीन की समीकरण पढ़ लेते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ लेते हैं। तो आइंस्टीन की जो इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी आप जानते हैं, ई इज इक्वल टू होता है एमसी स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर एक यानी इक्वेशन नंबर एक बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर एक के बाद जब हम लोग चलेंगे तो दूसरी इक्वेशन आप जानते हैं फ्रॉम प्लैंक्स इक्वेशन। तो फ्रॉम प्लैंक इक्वेशन यहां लिख देता हूं प्लैंक्स इक्वेशन। अब ये प्लैंक्स इक्वेशन क्या करूंगा, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। अब सिंस न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन नंबर आप टू बना दीजिए, यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर टू बना दीजिए। जैसे इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करोगे, कंपेयर करोगे, तो क्या होगा, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, दो इक्वेशन है, तो ये हो जाता है आपका एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सी से सी कैंसिल आउट कर दीजिए और कैंसिल आउट करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू सी। सी मतलब यहाँ पर वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को आप लोग जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू वी भी करते हैं। तो ये इक्वेशन, ये इसको एम और वी एंगुलर मोमेंटम होता है, तो एच इज इक्वल टू एम एच अपॉन पी भी लिखा जाता है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली, इसी को हम लोग डी ब्रोगली की इक्वेशन बोलते हैं। अब ये बता रही, देखो यहाँ पर आपको लैम्डा भी दिखाई दे रहा है, लैम्डा है इसका मतलब वेवलेंथ है और वेवलेंथ वेव की ही होगी, इसके अंदर एम है मतलब मास है और मास पार्टिकल में होगा। तो ये समीकरण, ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, डुअल नेचर है, मतलब ये डुअल नेचर की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल भी है और साथ ही साथ ये वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो इस इक्वेशन से आप ये जान लेते, तो ये इक्वेशन लगभग दो नंबर में एग्जाम में आ जाती है कि व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डुअल नेचर आप इलेक्ट्रॉन का आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो और निकालने के बाद इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर, नोट करके आप आसानी से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर डुअल नेचर होता है बाय इक्वेशन डी ब्रोगली इक्वेशन। थैंक यू।